नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों का काउंसलर और आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी हूं। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपको काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट होते हैं बच्चों जो गवर्न किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब जो है बच्चों ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब इसमें जो पावर, जो मतलब जो इसको गवर्निंग बॉडी होती है वो सेंट्रल पावर होती है। तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो बच्चों, हर सेंट्रल इंस्टीट्यूट को ये पावर होती है कि वो अपना एडमिशन प्रक्रिया खुद से डिसाइड कर सकता है। तो जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, तो उन लोगों से पूछा हम एचआरडी ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि वो किस तरह काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मेनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बच्चों वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर आता है आपका एमयू, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर बीएचयू, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और जामिया मिलिया इस्लामिया का फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, ये भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। और बच्चों कुछ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जैसे वीएमएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये और राम मनोहर लोहिया जो हमारा दिल्ली में स्थित है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको बताऊंगा कि आपको इसके काउंसलिंग के लिए क्या करना है। तो बच्चों, इसकी काउंसलिंग जो है वो कोई अलग नहीं होगी, यही जो अभी आप ऑल इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसी के तहत आपको पहला, दूसरा और तीसरा, तीन काउंसलिंग जो होगी वो आपको यही एमसीसी के साइट पे ही करवानी है। यानी कि आपको बीएचयू अगर चाहिए या आपको एमयू चाहिए तो उसके लिए आपको कोई अलग से अभी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ने जो ऑल इंडिया का कोटा, ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग का फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन बच्चे कुछ करवाएंगे, ठीक है, तो उसी में ही आप लोगों को इसकी काउंसलिंग हो जाएगी। अगर आप लोगों को सीट अलॉट होना होगा तो आप लोगों को सीट अलॉट होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होगी वो किस तरह की होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो जितने भी ये एमसीसी जो काउंसलिंग अभी करा रही है उसमें, उसी में ही आपको ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिलेंगे। तो बच्चों, पहला राउंड जो होने वाला है ये एमसीसी का, ऑल इंडिया कोटे का पहला राउंड और दूसरा राउंड और मॉपअप राउंड, ये तीनों एमसीसी कराएगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए भी, और वो कॉमन है। मतलब ये जो काउंसलिंग है वो कॉमन है, इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी है, स्टेट गवर्नमेंट के 15% कॉलेजेस भी है, एम्स भी है, सब कुछ है। और इसी काउंसलिंग में आप लोगों को ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट के जो भी जितने कोटे की सीट होगी ऑल इंडिया कोटे में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस कॉलेज की कितनी सीट है, वो अलॉट होगी। तो यानी कि जो काउंसलिंग अभी शुरू होने वाली है वो पहला राउंड, उसमें पहले राउंड में जो बच्चे होंगे जिनका मेरिट में नंबर अच्छा होगा उनको सीटें अलॉट हो जाएंगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में। उसके बाद सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड में जो बच्चे बचे होंगे उनको अलॉट हो जाएगी। फिर मॉपअप राउंड होगा और उसमें जो सीटें बच जाएंगी वो भी उन बच्चों को, नीचे के बच्चों को अलॉट हो जाएंगी। अब ये तीन राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट का, वो कॉमन काउंसलिंग होगी जो कि एमसीसी करा रही है ऑल इंडिया कोटे के लिए। बच्चों, लास्ट का जो राउंड होगा स्ट्रे राउंड, स्ट्रे राउंड के लिए जो एमसीसी होगी वो काउंसलिंग का जिम्मेदारी सौंप देती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट का। जैसे मान लीजिए बीएचयू में मॉपअप के बाद भी सीटें बच जाती हैं कि कोई बच्चा वहां से छोड़कर एम्स में एडमिशन ले लिया, तो उसकी जिम्मेदारी एमसीसी अब नहीं लेती है। एमसीसी बोलती है कि अब ये सीट आप खुद भरो। तो बीएचयू या फिर कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट स्ट्रे राउंड के लिए खुद से काउंसलिंग करवाती है, मतलब वो कॉलेज खुद से काउंसलिंग करवाता है। तो यही लगभग यही प्रक्रिया मैंने एम्स के लिए भी आपको बताया था और यही प्रक्रिया लगभग आपको इसमें भी मिल जाएगा। चलो बच्चों, बता देता हूं कि मैं जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में मेनली जिसकी काउंसलिंग होगी उनमें सीटें कितनी ऑल इंडिया कोटे में रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की। जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है, और इसमें से 15% सीटें जो होंगी वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटे में होंगी। मतलब मौलाना आजाद का 15% सीटों पे ही पूरे इंडिया में डोमिसाइल फ्री कोई एडमिशन ले सकता है। बाकी के बच्चे 85% जो सीट्स हैं उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको दिल्ली स्टेट का डोमिसाइल होल्डर होना पड़ेगा या आपने 11th 12th वहां से पास किया है।
आगे बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, उसके लिए बच्चों एमयू 50% जो सीटें हैं, जितनी भी एमबीबीएस सीटें मान लीजिए हैं, 100 सीटें मान लीजिए हैं, उसकी 50% सीटें की काउंसलिंग यही ऑल इंडिया काउंसलिंग से होगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग से एमयू की 50% सीटें भर दी जाएंगी, बाकी के जो बचे 50% सीटें हैं उसके लिए एमयू स्टेट डोमिसाइल को या फिर डोमिसाइल होल्डर्स को अपना अलग से काउंसलिंग करा के उसमें एडमिशन देगी। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो उसकी 100% सीटें, जितनी भी सीटें हैं वो सीटें यही जो अभी एमसीसी ने शेड्यूल निकाला है उसी काउंसलिंग में ही वो सारी सीटें भर जाएंगी, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। और फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री का तो मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था कि उसका क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं और कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जैसे बीएमएमसी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और आरएमएल, तो बच्चों इसका 15% सीट जो होगा वो इस ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरा जाएगा, बाकी का 85% जो सीटें होंगी प्यारे बच्चों वो भरी जाएंगी स्टेट डोमिसाइल का या फिर स्टेट की काउंसलिंग से। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन जो अभी दी वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए दी है, और आगे हम लोग देखेंगे कि और भी जिस चीज पे, जैसे अभी अगला वीडियो हम बनाएंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस जितने हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके काउंसलिंग में आपको क्या करना है, और कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर का रुतबा रखते हैं और वहां की फीस भी अच्छी है, मतलब नॉमिनल फीस है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहले मैंने मेरा बोर्ड खत्म हुआ था, शायद 3 अप्रैल खत्म हुआ था और 5th 6th मई को मेरा नीट का एग्जाम था, तो मैंने एक महीने में पूरा 11th और 12th कवर किया था। मतलब आप समझ लीजिए कि ना वो एक महीने बहुत ही क्रूशियल होते हैं आपके लिए, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारा करना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर करिए उसके लिए कि ना आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, आप चाहे 11th 12th चाहे जैसे पढ़ें, लेकिन उस आखिरी के महीने में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से सारे काम करना है। चूज योर फ्रेंड वाइजली, आई मीन आप ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या गेम्स में इंटरेस्टेड है या फिर उनको अपना करियर उसी में बनाना है। लाइक अपने फ्रेंड्स को एकेडमिक्स में रिस्ट्रिक्ट करो, और यू आर लाइक यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मूवी और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग गेम्स और एनीथिंग, सो ऑल दीज थिंग्स एंड मतलब लाइक देर आर सम कोपिंग मैकेनिज्म्स लाइक हाउ टू कोप विद डिस्ट्रैक्शंस और समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप बस अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहो यार, लाइक जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि बस एक डायरेक्शन लेस होकर पढ़ रहे हो कि हाँ मुझे तो पढ़ना है, ऐसा तो नहीं ना। लाइक अपने आप को एक गोल दो, एक टारगेट दो, और हमेशा पीरियोडिकली उसको रिमाइंड कराओ कि यार मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मुझे नीट 2021 क्लियर करना है, नीट 2022 क्लियर करना है। तो उसके लिए एक टारगेट सेट करो और उसके लिए आप एकदम फोकस्ड होकर के आप बार बार जब गोल को रिमाइंड कराओगे तो फिर आप अच्छे से मतलब फोकस्ड होगे।